सनराइजर्स हैदराबाद ने यूसुफ पठान 45 की शानदार पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य रखा है। मुंबई के वांगेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी ओवर की पांचवी गेंद पर पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी 5 रन बनाकर रनआउट हुए। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच केवल 13 रन की साझेदारी हुई। गोस्वामी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान केन विलियमसन और धवन दोनों ने मिलकर सनराइजर्स हैदराबाद की पारी को संभाला, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी गेंद रविंद्र जडेजा ने शिखर धवन 26 को क्लीन बोल्ड किया। दूसरे विकेट के दोनों बल्लेबाजों के बीच 51 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका लगा। करुण शर्मा ने कप्तान केन विलियमसन को स्टंप आउट कराया। वह 36 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 47 रन की शानदार पारी खेली। तीसरे विकेट के लिए शाकिब और विलियमसन के बीच 37 रन की साझेदारी हुई। वहीं 16वें ओवर की पांचवी गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने शाकिब अल हसन 23 को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। चौथे विकेट के शाकिब और पठान के बीच 32 रन की साझेदारी हुई। इसके अलावा 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर लुंगी एनगिडी ने दीपक हुडा 3 को स्थानापन खिलाड़ी ध्रुव शौर्य के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों में बदलाव किए गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीमों में एक बदलाव किया है। सीएसके के कप्तान महेश धोनी ने हरभजन सिंह की जगह करण शर्मा को टीम में शामिल किया है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीमों में 2 बदलाव किए हैं। एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने अपनी टीम में रिद्धिमान साह की जगह श्रीवत्स गोस्वामी और खलील अहमद की जगह संदीप शर्मा को जगह दी है। हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में खिताब के लिए बेताब दोनों टीमों में जो टीम आज दबाव पर काबू पाने में सफल रहेगी, सफलता उसी के साथ होगी। तीसरे खिताब के लिए प्रयासरत धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत 2016 की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद से होगी। दोनों ही टीमों की नज़र आईपीएल 2018 की खिताब पर होगी। वांगेड़े स्टेडियम में होने वाले इस हाई वोल्टेज फाइनल में तगड़ी टक्कर होने की संभावना है। 5 दिन पहले क्वालिफायर 1 में भी दोनों टीमों की यहां टक्कर हुई थी, जिसमें चेन्नई 2 विकेट से जीतने में सफल रही थी। इस सीजन में चेन्नई ने अब तक 3 मैचों में हैदराबाद को मात दी है। वहीं हैदराबाद ने क्वालिफायर 2 में गत शुक्रवार को 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घरेलू मैदान में 14 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दोनों टीमें इस प्रकार हैं: चेन्नई सुपर किंग्स, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसी, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान रविंद्र जडेजा, वेन ब्रावो, अंबाती रायड्डू, दीपक चाहर, लुंगी एनगिडी, करुण शर्मा, शार्दुल ठाकुर। सनराइजर्स हैदराबाद: शिखर धवन, श्रीवत्स गोस्वामी, केन विलियमसन, कप्तान शाकिब अल हसन, दीपक हुडा, यूसुफ पठान, कार्लोस ब्रैथवेट, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा।